इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो आपको आने वाले समर में, समर 2020 में क्या करना चाहिए। मोस्टली मैं फोकस करूंगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उन्हें इंटर्नशिप मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में होते हैं, उनके पास स्किल्स में भी थोड़े कम हो या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस कम होता है, और उनको ये नॉलेज भी नहीं होता है कि उन्हें कहाँ से इंटर्नशिप मिल सकती है, कहाँ अप्लाई करना चाहिए। ये सब नॉलेज फर्स्ट ईयर में हमें थोड़ा कम होता है, तो हमें काफ़ी डाउट्स होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कि समर मेरा बर्बाद ना हो। तो अगर यार अपना समर बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करना ताकि जो तुम्हारा वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो सके, तुम समर में कुछ अच्छा कर सको। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्टली कॉलेजेस में, मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि वो फर्स्ट ईयर में होते हैं, फर्स्ट ईयर के ख़त्म होने के बाद समर आता है और वो समर में कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही इधर उधर घूम के या फिर टाइम वेस्ट हो जाता है पूरा समर उनका, और समर में वो कुछ नहीं कर पाते हैं और बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि मुझे समर में कुछ कर लेना चाहिए था। तो अगर तुम इस चीज़ से बचना चाहते हो तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना और समझने की कोशिश करना और ख़ुद को एनालाइज करना कि तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हारा समर हो जो आने वाला है वो वेस्ट ना हो। तो चलो हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के बाद जो समर आता है उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है इंटर्नशिप की। अगर हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर के समर में हम कोई अच्छी सी इंटर्नशिप कर लें, लेकिन यार मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर तुम्हारे पास अच्छे स्किल्स नहीं हैं, अगर तुमने अच्छे स्किल्स पे काम नहीं किया है, लाइक तुम्हें एक या दो लैंग्वेजेस पे कमांड है, तुमने डेवलपमेंट नहीं करी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि समर में तुम कोई अच्छी सी स्किल्स देखो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। जैसे तुम्हारा मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो मशीन लर्निंग के कोर्सेज़ कर लो, तुम्हारा अगर वेब डेवलपमेंट में स्किल है तो वेब डेवलपमेंट में स्किल में तुम काम कर लो अपना, उस पर कोई प्रोजेक्ट्स बना लो, उसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि समर में तुम्हारा पूरा 2 मंथ होता है और 2 मंथ में तुम कोई स्किल पे काफ़ी अच्छे से कमांड्स कर सकते हो। देखो यार फर्स्ट ईयर में जब हम होते हैं तो हमें एक आइडिया नहीं होता है कि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया कि सर मैं अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता हूँ तो मैं इंटर्नशिप करने जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे स्क्रैच से बताया जाएगा, वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो यार इंटर्नशिप में मैं पहली बात बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ट्रेनिंग का मतलब होता है आप कहीं कुछ सीखने जाते हो, उन्हें पैसे पे करते हो आप और वो आपको कुछ सिखाते हैं, इसे कहते हैं हम ट्रेनिंग। जैसे आप जावा की ट्रेनिंग करते हो, ऐप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करते हो, तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे आप सीखते हो, वो तुम्हें एंड्रॉयड स्टूडियो सिखाते हैं, एंड्रॉयड ऐप्स बनाना सिखाते हैं और आप उन्हें पैसे पे करते हो, ये होता है ट्रेनिंग। और इंटर्नशिप क्या होता है, आप कहीं ऐसे जॉब जैसा होता है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप इसे पूरी तरीके से जॉब तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें स्टाइपेंड बहुत कम होता है, लेकिन सॉर्ट ऑफ जॉब ही होता है क्योंकि आप जो भी लर्न करें हैं, जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करते हो। आपका एक मेंटर होते हैं वहाँ पे जो आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना चाहिए, ये चीज़ें आप अप्लाई करके इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। तो ये होती है इंटर्नशिप। तो अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं हैं तो आप इंटर्नशिप में काम नहीं कर पाओगे, और ट्रेनिंग में आप उसी स्किल्स को सीखने जाते हो। तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो अगर, तो इस चीज़ को तुम क्लेरिफाई कर लो कि आपको इंटर्नशिप करनी है कि ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग करने जाते हो तो कोई स्किल सीखते हो, और इंटर्नशिप करने जाते हो तो उसी स्किल्स को तुम अप्लाई करके प्रोडक्ट डेवलप करते हो। तो अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, आपने कुछ अभी तक नहीं सीखा है, आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, तो मेरी राय यही है कि आप कोई स्किल समर में सीखो, हो सके तो आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे कोडिंग ब्लॉक्स वगैरह हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सी, मशीन लर्निंग, जावा, ऐप डेवलपमेंट, इन सब पे अच्छे अच्छे वो सॉर्ट ऑफ कोचिंग है जहाँ पे आप अच्छे से जाके पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसी ट्रेनिंग आप कर सकते हो अपनी स्किल्स को आप डेवलप करने के लिए, और मेरी राय में यही सबसे बेस्ट होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर उससे पहले आपने पढ़े हैं, उसमें मोस्टली यही होता है, आप सी या फिर कोई सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, आपने थोड़ी सी सी पी करी होगी, आप सी पी मीन्स कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग,
अगर आपने थोड़ी अच्छी इंटरेस्ट है आप में तो आपने थोड़ी अधिक सी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करी होगी। और मेरे कहने का मतलब यह है कि 2 सेमेस्टर में आप थोड़ी सी कोई एक सी या पाइथन या जावा किसी एक लैंग्वेज पर आपका थोड़ा सा कमांड होगा, और जो भी 11th 12th के सिलेबस हैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स यही सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, तो आपका जो डोमेन है अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो उसमें, या फिर सिविल से हो इलेक्ट्रिकल से हो तो आपका जो कोर ब्रांच है उसमें आपकी नॉलेज थोड़ी कम होगी, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी राय यह है जो मैंने किया था समर में फर्स्ट ईयर के बाद, मैंने एक स्किल पकड़ी मशीन लर्निंग की और उस पर मैंने सीखना शुरू किया। सीखना कहाँ से, स्क्रैच से, जहाँ से एक एकदम शुरू से हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से लर्न करना है, कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए, इन सब बारे में आप रिसर्च करो। अगर आपको नहीं पता है, आप कंप्यूटर साइंस से हो, मैं भी कंप्यूटर साइंस से हूँ, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज कम है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है डिसाइड करने में कि मुझे क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी मुझे मैसेज करता है, मैं रिप्लाई 100% करता हूँ, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। या फिर कोई अदर ब्रांच के हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों से या फिर अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा। तो अभी तक क्या निकल के आया कि अगर आप समर को वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो समर में कोई अच्छी सी स्किल्स पे प्रोजेक्ट बनाओ, उसको सीखो, जिससे क्या होगा कि आपका 2 मंथ में एक अच्छी सी स्किल्स पे आपका कमांड हो जाएगा, और साथ में ही कोई प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका जो सीवी में भी लिख सकते हो। आप सीवी में लिख सकते हो कि इस स्किल पे मेरा कमांड है, ये चीज़ें मुझे आती हैं, और उसके बाद आप जब सेकेंड ईयर में अप्लाई करोगे तो यही सारी चीज़ें आपके काम आएंगी जो आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिलने में मदद करेंगी। और दूसरा डाउट यह था कि काफ़ी सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के हैं वो चाहते हैं कि उन्हें रिसर्च इंटर्नशिप कोई मिल जाए अच्छी सी। काफ़ी अच्छी बात है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें फर्स्ट ईयर में ही काफ़ी सारी अच्छी अच्छी रिसर्च इंटर्नशिप्स हैं जो काफ़ी बच्चों को मिल जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो आपको रिसर्च इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप नहीं मिल सकता है, ये मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपको बहुत अच्छी इंटर्नशिप मिल सकती है किसी स्टार्टअप में या फिर किसी प्रोफेसर के अंडर में, आपको अच्छी इंटर्नशिप मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे से मेहनत करना होगा। और अभी तक आपने कोई मेहनत नहीं करा, अपने स्किल्स पे काम नहीं किया, तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी आप अप्लाई करते हैं जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सीवीज देखेगा, अगर उसमें रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है अभी तक, तो आप ऐसा करो कि एक पूरी अच्छी सी प्लानिंग करो कि मुझे समर में ये स्किल्स पे काम करना है और इनको अच्छे से मास्टर कर लेना है कि आगे मैं अगर विंटर में, जो आने वाला विंटर है उसमें अप्लाई करूं तो उसमें मुझे 1 या 1.5 महीने, जितने महीने की छुट्टी होती है विंटर वेकेशन, उसमें आप एक छोटी सी इंटर्नशिप कर लो, फिर आपके पास एक इंटर्नशिप हो जाएगी, फिर एक समर में जो आपने स्किल प्रोजेक्ट बनाए हैं वो उनको मिला के आपका एक काफ़ी अच्छा सा रिज्यूमे बन जाएगा जो आपको अगले समर में इंटर्नशिप दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो 2 चीज़ें सामने आ गईं कि अगर आपके पास स्किल है तो आप अप्लाई करो, अगर स्किल नहीं है, अगर आप सोचते हो कि मुझे सीखना है, क्योंकि देखो यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत नहीं पता है फिर भी हम अप्लाई किए जा रहे हैं, हमें खुद को एनालाइज करना चाहिए कि हमें कितना आता है, हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुमको बीच का स्टेप नहीं पता है और तुम एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। अगर समर में तुम कोई स्किल सीखते हो ये तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं है, कोई इंटर्नशिप करता है तुम स्किल सीखते हो, ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर के बाद जो समर आ रहा है उसमें तुमको अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अगर किसी अच्छे स्किल पे कमांड करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छी इंटर्नशिप मिल सकती है। जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर के बाद कोई इंटर्नशिप नहीं करा था, मैंने मुझे सेकेंड ईयर के बाद काफ़ी अच्छा रिसर्च इंटर्नशिप मिल गया। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, हमें पहले तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप्स में जब हम जाते हैं तो हम वहाँ सीखते नहीं हैं स्क्रैच से, सीखते तो हमेशा हैं, बट मेरा मतलब है कि हमें पहले से वो चीज़ें आती रहती हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं।
तो ये भ्रम तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं रिसर्च इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप में जाऊंगा तो मुझे वहां पे स्क्रैच से लोग सिखाएंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है, इसको एल्गोरिदम्स क्या हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो तुम्हें बता देंगे ये प्रोडक्ट है, तुम्हारा मेंटर बता देगा कि ऐसे काम करना है, और तुमको खुद से प्रोडक्ट बनाना होगा। तो अगर तुमको स्किल्स नहीं आती होंगी तो वहाँ पे तुमको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो अप्लाई करो। तुम्हें नहीं पता है कहाँ अप्लाई करना है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे तुम डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे तुम्हारी हेल्प करूँगा कि तुम्हें कहाँ अप्लाई करना चाहिए, रिज्यूमे तुमको कैसी बनानी चाहिए। ये सारी हेल्प मैं इंस्टाग्राम पे तुमको कर दूंगा। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम डायरेक्ट अप्लाई करो। स्किल्स नहीं है तो समर के 2 महीने में तुम अच्छे से स्किल पे, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उस पर काम करो, और कोई ना कोई एक या दो प्रोजेक्ट बनाओ जो तुम अपने रिज्यूमे में लिख सको कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है और इस पे मैंने काम किया है, जो अपने जो एम्प्लॉयर हैं उनको दिखा सको। तो यार वीडियो मैं इसीलिए बना रहा था कि मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूं, उन्हें बता सकूं कि उन्हें समर में क्या करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कि तुम कुछ और करना चाहते हो तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और भी जितने भी लोग हैं अगर तुम्हें कोई सजेशन आ रहा है तो कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो। और तुम्हें अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करो, स्किल्स पे काम करना है तो स्किल्स पे काम करो। ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम खुद को एनालाइज कर लेना पहली बात। और दूसरी बात ये है कि तुम अपनी समर को वेस्ट मत करना। इन दोनों में से कोई एक ना एक चूज कर लेना, या तो तुम्हें इंटर्नशिप करनी है या तो फिर किसी स्किल पे काम करना है। अगर तुम अपना समर वेस्ट कर देते हो इधर उधर घूम के, फ्रेंड्स के साथ जो भी ट्रिप वगैरह पे जाके, तो बाद में तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम थोड़ा सा पीछे रह गए हो। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हमारा तीसरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा, फिर चौथा सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो सेमेस्टर के बीच हमें प्रोजेक्ट्स बनाने, नए स्किल में काम करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे क्लास के स्केड्यूल भी होते हैं, क्लास के सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना होता है, खुद के प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान दो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो समर में एक चीज़ तो तुम कंफर्म कर लेना कि तुम्हें करना क्या है, और समर को वेस्ट मत करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर के समर में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, कोई टेंशन नहीं होती है। फर्स्ट ईयर हमारा ख़त्म हो गया, फर्स्ट ईयर काफ़ी ईजी होता है हमारे लिए, सब्जेक्ट्स काफ़ी ईजी ईजी होते हैं, तो फर्स्ट ईयर के बाद हमारे पास कोई टेंशन नहीं होता है, हमारे पास फ्री टाइम होता है 2 महीने का। हम चाहें तो काफ़ी अच्छे से अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं और खुद को आने वाले इंटर्नशिप्स के लिए काफ़ी बेटर बना सकते हैं। अगर तुम्हें कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो तुम 2 महीने काफ़ी मेहनत से अपनी स्किल्स, जो सीपी है उस पर काफ़ी मेहनत कर सकते हो और काफ़ी अच्छी कोडिंग स्किल्स कर सकते हो, ताकि आगे जो समर में तुम कहीं अप्लाई करो, वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव चैलेंज हो कोडिंग का, तो उसमें तुम अच्छा कर सको और तुमको काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी। कई सारी इंटर्नशिप्स होती हैं, कई सारी कंपनीज होती हैं जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करा के, जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करा के वो इंटर्नशिप्स के लिए हायर करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल भी ऐसे ही करती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऐसे ही हायर करती हैं। तो तुम अगर इसमें स्किल्स में डेवलप करना चाहते हो तो इस पे मेहनत करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद यार हमारे पास टाइम तो होता है बट हम क्लियर नहीं होते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, और इसीलिए इधर उधर सोच सोच के हम काफ़ी पैनिक में रहते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं एट द लास्ट। तो तुम काफ़ी स्पेसिफिक रहो कि मुझे यही करना है, ज़्यादा इधर उधर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में हो, थोड़ा चिल करो, और जो भी करना हो स्पेसिफिक रहो वही करो। और कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लो, मैं कमेंट कर दो नीचे, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं हमेशा रिप्लाई कर देता हूँ। तो यार आज की वीडियो बस इतनी ही, आगे मैं फर्स्ट ईयर के लिए एक दो वीडियोस और बनाऊँगा, और एक और स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफ़ी बच्चों का यार ये डाउट रहता है कि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या है, वो समझ नहीं पाते हैं। और इंटर्नशिप में जब हम इंटर्नशिप करने जाते हैं तो एक्चुअली हम वहाँ पे करते क्या हैं, हमारा वहाँ पे स्केड्यूल क्या होता है, हम कब ऑफिस जाते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, क्या काम करते हैं एग्जैक्टली। तो मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इसको अगली वीडियोज़ में, मे बी नेक्स्ट या सेकेंड नेक्स्ट जो भी हो, मैं शेयर करूँगा, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि इंटर्नशिप कैसा होता है, उसमें काम कितना करना पड़ता है, टफ होता है या ईजी होता है, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे।
तो इस वीडियो में यही सामने आया कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो अपना समर तुम दो तरीके से किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोई स्किल में ट्रेनिंग लेके, या फिर तुम घर पे बैठ के ऑनलाइन कोर्सेराज हैं, डेटा कैंप है, डेटा क्वेस्ट है, काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे तुम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो। तो आगे की वीडियोस में मैं फर्स्ट ईयर के बारे में ही बात करूँगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस बीच अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो मैंने बता दिया है तुम्हें क्या करना है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।